कितना अच्छा का व्यूज ये कलर है व्यूज देखिए ये इसका गला भी तरपाई हो रही है इसकी व्यूज ये बड़ा ही अच्छा बनेगा व्यूज ये व्यूज जो है वो सारे कपड़े व्यूज ये जितने भी व्यूज हमने आपको कपड़े दिखाए हुए वो सारे मेरे बने हैं बस व्यूज ये जो स्टिकी ये जो स्टिचिंग है वो जो है वो मेरी मम्मा करती है बाकी ये जो कपड़े हैं व्यूज वो मैं सिलाई करती हूँ व्यूज व्यूज बच्चे आते हैं व्यूज कहते हैं वो ना मेरी डॉल की भी कपड़े बना दो तो व्यूज मैं करती हूँ 250 रुपये लगेंगे तो व्यूज वो कहते हैं कि मैं डॉल से सिला लूँ डॉल को तुमसे ज़्यादा अच्छी सिलाई आती है देखिए तो व्यूज व्यूज जो है ना व्यूज मैंने अपनी डॉल के लिए भी एक शर्ट बनाई थी व्यूज इतनी प्यारी थी ना वो उसका पसंदीदा कलर था व्यूज मैंने पहले कपड़े तो सीधे करके दिखा दो उल्टे कपड़े दिखाई जा रही जी तो व्यूज आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें बताएं आप कहां से वॉच कर रहे हैं बेटा इसे दिखाओ जी व्यूअर ये देखें व्यूअर ये हमने ले लिए हैं व्यूअर मतलब हमने बना लिए हैं ये इसकी सलवार बन गई है व्यूअर ये देखें व्यूअर सिर्फ अब जो जो शर्ट है उसका सिर्फ गला रहता है व्यूअर जी इसको प्रेस करके दिखाएं ये देखें व्यूअर ये मैंने बनाए व्यूअर ये कपड़े बस ये जो व्यूअर ये वो पता नहीं कहां से वो जो है इन्होंने स्टिचिंग किया बाकी तो व्यूअर सारा कुछ मैंने बनाया है जी तो व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप ضرور لائک کیا کریں اور اب آپ ہمیں دیں جی اجازت اللہ حافظ بائے بائے السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے جو سوٹ سیا ہے یہ وہ سوٹ ہے جو کہ کچھ دن پہلے میں نے سلائی کرنا سٹارٹ کیا تھا اور اب یہ سل گیا ہے تو یہ دیکھیں جی پراپر سوٹ سل گیا ہے اور اب یہ تھوڑی دیر میں سارا جو ہے نا وہ پہن کے دکھائے گی सूट तो बस अभी जो है ना मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ये देखें कितना अच्छा जो है इसका कलर देखें और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा है कपड़े का ना बिल्कुल सॉफ्ट सा है ये तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आप भी खुद जो है कपड़े स्टिच करते हैं या नहीं करती हैं या नहीं क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो जो अच्छा कपड़ा है
वो अगर मिलता है तो स्टिचिंग अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से स्टिचिंग जो है ना वो खुद करनी चाहिए अपने जो है ना नाप के मुताबिक, तो फिर जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना स्टिच हो जाता है कपड़ा। और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो जो है ना कपड़े आपको पता है किस तरह के होते हैं, एक दफ़ा धुलने के बाद पता ही नहीं चलता उन कपड़ों का कि क्या हुआ कपड़ों के साथ, आपको कपड़े नज़र ही नहीं आते जो आपने ख़रीदे थे। कपड़े जो है ना वो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई सफाई वाली तपड़ी होती है। और अब ये सारा आपको पहन कर दिखाएगी जी। तो व्यूवर्स ये देखें जी, ये सारा का सूट है जो मैंने सिया था और ये सारा ने पहन लिया है। ये सेल्फ प्रिंट में है और ये देखिए जी मेरी स्टिचिंग ये मैंने स्टिचिंग की है और ये गला पे है, मैंने डीप नहीं रखा था नीचे से, सारा ने ना वो जो होती नहीं है ओवर नीचे से जो पहनते हैं चाने। हाँ जी राउंड नेक ये वो पहनी हुई है सारा ने नीचे से। और बाजू दिखाओ जी, ये देखिए बाजू यहाँ तक मैंने बनाए हैं और ये देख लें ये बाजू, ये कंधे हैं और ये देखें यहाँ से भी मैंने खुले रखे हैं ताकि जो है ना ऊपर नीचे करने में जो बच्चे खेलते हैं ना उनको मुश्किल ना हो। और ज़रा मैंने खुला खुला सा सूट बनाया था सारा का, ये देखें। और व्यूअर्स मैं आपको भी कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो है व्यूअर्स ये जो घर में व्यूअर्स कपड़े बनते हैं व्यूअर्स वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर हम बाहर से लें तो व्यूअर्स आपको पता है कोई इधर से खुला होता है तो कोई इधर से टाइट होता है, कभी इसके बाद इतने इतने होते हैं छोटे छोटे होते हैं टाइट टाइट होते हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर हम बाहर से कपड़ा लें और व्यूअर्स हम घर में बनाए तो फिर व्यूअर्स वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए व्यूअर्स ये कपड़े जो है व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं जी। आपको सारा की ये बात पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें हमारी इस बात को। तो आजकल की लड़कियों को जो ना है वो भी काम सीखना चाहिए स्टिचिंग का, ताकि जो बाज़ार में इतने महंगे कपड़े हैं ना वो हम बाज़ार से कपड़ा लेके अच्छा सा वो घर में ही सी लें, तो जो कपड़ा बाजवा बच जाता है बहुत बड़े बड़े भर के सूट होते हैं उसमें तो बच्चों के कपड़े भी निकल आते हैं और फिर बच्चों के भी सूट जो है ना सिल जाते हैं। तो ये मेरे पास ना एक सलवार का कपड़ा था मेरा अपना, तो वो मैंने सलवार तो सिलवाई नहीं थी क्योंकि मैंने उस तरह के ना कोई और लेके सिलवा लिया था कपड़ा, तो लेकिन ये मेरा बच गया था। तो ये देखिए ये सारा के काम आ गया, तो ये बहुत पुरानी थी मेरी सेल्फ प्रिंट की पड़ी हुई थी सलवार, उसके मैंने पूरा सारा का सूट बना दिया। लग नहीं रहा कि व्यूअर्स ये पुराना व्यूअर्स देखे होंगे, इस तरह की कढ़ाई व्यूअर्स ये देखे कितनी प्यारी लग रही है व्यूअर्स ये कढ़ाई व्यूअर्स। एक और व्यूअर्स मेरी माँ ने सूट बनाया था व्यूअर्स वो आपको पता है व्यूअर्स, उस पर भी व्यूअर्स सेम ऐसी ही कढ़ाई थी, तो व्यूअर्स वो भी बड़ा अच्छा रहा और व्यूअर्स ये भी बड़ा अच्छा रहा। जी आपको हमारी ये बात पसंद आए तो आप लाइक करें और हमें दे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारे खुद पसंद है तो व्यूज हमें अपनी दुआ में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।